हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ इंडसइंड बैंक का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने अपना न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है नया एफडी रेट और क्या इंटरेस्ट करेंट प्रोवाइड कर इंडसइंड बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इंडसइंड बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने अपना न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे टैब आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को राइट हैंड साइड में तीन ऑप्शन मिलता है, ऑफर रेट और क्विक लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को रेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को सेविंग अकाउंट का रेट बताऊंगा, फिर मैं आप लोग को एफडी रेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं इंडसइंड बैंक का सेविंग अकाउंट रेट का इंटरेस्ट रेट का वेब पेज में। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग देख सकते हो सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट विद इफेक्टिव फ्रॉम 5th अगस्त 2023 से इफेक्टिव है। सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक एनआरओ रेट एप्लीकेबल है। डेली बैलेंस अप टू 1,03,50, अबव 1,00,000 to 10,00,000 5%, 10,00,000 to 25,00,000 6%, 25,00,000 to 5 CR 6.75, 5 CR to 100 CR 6% यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था सेविंग अकाउंट रेट के बारे में। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ टर्म डिपॉजिट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को टर्म डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत टाइप का इंटरेस्ट रेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रीमैच्योर विड्रॉल अलाउड फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लेस देन 2 CR के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आप लोग इमरजेंसी के वक्त ये एफडी से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डोमेस्टिक एनआरओ एनआरई सीनियर सिटीजन डिपॉजिट रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1st दिसंबर 2023 से इफेक्टिव है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये नॉर्मल सिटीजन वाला पार्ट है। ये जो है ये सीनियर सिटीजन ग्रेटर देन 60 इयर्स, ये बिलो 60 इयर्स 10 ईयर, 7 से 14 डेज 3.50 और सीनियर सिटीजन केस में 4.25, 15 से 30 डेज 3.50 और सीनियर सिटीजन केस में 4.25, 31 से 45 डेज 3.75 और सीनियर सिटीजन केस में 4.50, 46 से 60 डेज 4.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5%, 61 से 90 डेज 4.60 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5.35, 91 से 120 डेज 4.75 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5.50, 121 से 180 डेज 5% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5.75, 181 से 210 डेज 5.85 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 6.60, 211 डेज टू 269 6.10 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 6.85, 270 डेज टू 354 डेज 6.35 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 7.10, 355 डेज टू 364 डेज 6.35 और यहां पे भी सेम इंटरेस्ट रेट 7.10, 1 ईयर टू बिलो 1 ईयर 6 मंथ 7.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 8.25 और ये कंटिन्यू हो रहा है टिल 2 इयर्स तक, अबव 2 इयर्स अप टू 2 इयर्स 1 मंथ जो है 7.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 8% और ये कंटिन्यू हो रहा है टिल 61 मंथ्स और 61 मंथ्स एंड अबव जो है 7% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 7.75% और इंडस टैक्स सेवर स्कीम जो कि 5 साल के लिए होता है और ये जो एफडी है इसमें आप लोग इमरजेंसी के वक्त पैसा नहीं निकाल सकते लेकिन इसमें जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, 7.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 8%। ठीक है, तो अगर आप लोग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो देन यहाँ पे 1 ईयर टू बिलो 1 ईयर 6 मंथ के अबव आप लोग कर सकते हो जिसमें आप लोग को 7.50 और 8.25 फॉर नॉर्मल एंड सीनियर सिटीजन रेस्पेक्टिवली मिल जा रहा है। ठीक है, और ये कंटिन्यू है टिल 2 इयर्स तक। ठीक है, और अगर आप लोग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो और अगर टैक्स भी बचाना चाहते हो तो यहाँ पे इंडस टैक्स सेवर स्कीम इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर 61 मंथ्स वाला स्कीम जो है इसमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, बोथ सीनियर सिटीजन एज वेल एज नॉर्मल सिटीजन केस में। तो ये था इंडसइंड बैंक का न्यू फिक्स डिपोजिट रेट के बारे में जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 1st दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।